सनातन धर्म में नवरात्र का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्र के पर्व को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस साल शारदीय नवरात्र की शुरुआत 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू हो रहा है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक नवरात्र के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा आराधना की जाती है। इतना ही नहीं, इस बार नवरात्रि पर माँ की कृपा कैसी होगी इस बात का पता इसी से चलता है कि माता रानी इस बार किस पर सवार होकर आएंगी। तो ज्योतिष गणना के मुताबिक इस बार माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हाथी पर सवार होना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा नवरात्रि के 9 दिनों तक ज्योतिष शास्त्र द्वारा बताए गए कुछ उपाय करने से माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं। आज हम आपको इस रिपोर्ट में लौंग के कुछ उपाय बताएंगे जिसको नवरात्र के दौरान करने से कई तरह के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं। सनातन बंधुओं, 15 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। नवरात्रि के इस महापर्व पर तमाम श्रद्धालु भगवती की प्रसन्नता के लिए घट की स्थापना करेंगे। भगवती की अनुकूलता के लिए नाना प्रकार के मंत्रों का जाप, अनुष्ठान, यज्ञादि कर्म संपादित करते हैं। किंतु नवरात्रि में कुछ ऐसे भी उपाय हैं जिनको करने मात्र से ही भगवती की कृपा प्राप्त हो जाती है और मनोरथ सिद्ध होते हैं। सबसे अचूक उपाय है लौंग का उपाय है। मात्र 2 लौंग एक कपूर पे रख कर जलाएं और अपने पूरे घर में उसका धुआं दिखाएं, जिसका फल ये होगा कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वह समाप्त होगी और नवीन ऊर्जा का संचार होगा। धन की कोई समस्या है तो गुलाब के फूल पे 2 लौंग रख कर भगवती को अर्पित करें, आर्थिक समस्या का नाश होगा। लेकिन ध्यान रहे कि गुलाब में 2 लौंग फूल रखने के बाद अपने सिर पर 3 बार सीधा और 3 बार उल्टा घुमाएं। घुमाते समय अपनी समस्या अपने मन में स्मरण रखें और भगवती को अर्पित कर दें। पति पत्नी में अगर कोई विवाद चल रहा है और भयंकर विवाद है तो उन्हें चाहिए कि अष्टमी तिथि को भगवती के मंदिर में जाकर लाल कपड़े में लपेट कर 3 लौंग के फूल दान कर दें। भगवती की कृपा हुई तो संबंधों में मधुरता आएगी। कोई ऐसा कार्य जो नहीं हो पा रहा है उसके लिए चाहिए कि 2 लौंग फूल सहित भगवान शिव को अर्पित करें। शिव की कृपा होगी तो निश्चित ही मनोरथ सिद्ध होंगे। लौंग के उपाय आप अवश्य करें। अगर कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर की गई है तो 2 लौंग के फूल के साथ में 1 पीला पुष्प और 1 लाल पुष्प अपने दाहिने हाथ में लेकर सिर के ऊपर 9 बार सीधा और 9 बार उल्टा घुमाकर किसी चौराहे पर डाल दें। ध्यान रहे कि डालते समय किसी से कोई वार्तालाप नहीं करना है। तंत्र क्रिया का तत्क्षण नाश होगा और आप उस तंत्र क्रिया से मुक्त होंगे।